अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज तकनीक इतनी ज्यादा तेज हो गई है कि सैटेलाइट से कहीं की तस्वीर ली जा सकती है, ऐसे में सरकार इस एयर स्ट्राइक का सबूत दे। ये आज तकनीकी का युग है और तकनीकी युग में आज हम यहां बात कर रहे हैं, ये किसी छुपा नहीं है। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है, तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की भी जबरदस्त तारीफ की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान के इस फैसले के खिलाफ काफी विरोध हुए, लेकिन उन्होंने अभिनंदन को छोड़कर एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पाकिस्तान के माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे जाबाज वायुसेना के अधिकारी को हमें वापस लौटा दिया, जिसकी वजह से उन पर आईएसआई और उन्हीं की पार्टी के लोगों ने काफी उन्हें उनके खिलाफ बयानबाजी की है कि उनको हिंदुस्तान के साथ बार्गेनिंग करनी थी, बिना बार्गेनिंग के उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं इमरान खान जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक नया रास्ता एक अच्छे पड़ोसी होने का दिखाया। आपको बता दें कि पहला मौका नहीं है जब स्ट्राइक के सबूत मांगे गए हैं। इससे पहले भी जब उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तब भी कई नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। वैसे दिग्विजय सिंह इसके पहले ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी भी कहकर लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।